एम्स के चिकित्सक गण, अध्ययनरत स्टूडेंट्स और विभिन्न बीमारियों को हटाने वाले हमारे सभी भाई बहने और मीडिया के मित्रगण, आप सबका आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आने वाले 13 दिसंबर को हम लोगों की सरकार काल पूरी होने वाली है। मैं आप सब लोगों को आज बधाई देता हूं और इसमें हमारी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी प्रगति करने का प्रयास किया है, जिसको हमारे प्रदेश के ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री आप सब लोगों के समक्ष अपने उद्बोधन में रख चुके हैं। प्रदेश का हर नागरिक स्वस्थ होगा तो हमारा ये छत्तीसगढ़ भी स्वस्थ होगा। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए भारत सरकार से भी हम लोगों को भरपूर सहयोग मिल रहा है। मैंने देखा है कि मलेरिया उन्मूलन, टीकाकरण, टीबी नियंत्रण, कुष्ठ की पहचान नियंत्रण एवं उपचार के लिए प्रदेश में चलाए जा रहे अभियानों को आप सभी लोगों ने बड़ी तत्परता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। जैसा हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बता रहे थे कि बस्तर जैसे क्षेत्र में, दुर्गम क्षेत्र में कैसे अंदरूनी गांवों तक हमारी मितानिन बहने और डॉक्टर्स नदियों में नाव के द्वारा पार होके भी अपने दायित्वों का निर्वहन किए हैं। मैं भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते ऐसे जज्बाती हमारे भाई बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप लोगों का ये साहस किसी सुरक्षा बल के साहस से कम नहीं है। और भारत के टीबी, कुष्ठ और मलेरिया जैसी बीमारियों से मुक्ति दिलाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो आज अभियान का शुरुआत कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे प्रदेश को होगा। और आज हम लोग काफी हद तक उसमें सफल भी हो रहे हैं। बस्तर जैसे दूरस्थ जिलों में भी आज मलेरिया जैसे रोगों को कंट्रोल करने में आपका विभाग काफी सफल हुआ है। और मुझे भी जानकारी मिली है कि कुल 6887 कुष्ठ रोगियों को आपने खोज निकाला है और उनका भी उपचार आप लोगों ने शुरू किया है। तो ये सबके लिए बहुत बहुत आप सब लोग